वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंट फ्लाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए या फिर अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए अदर स्टेट्स के लिए क्या क्या रूल्स है? बिकॉज काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कोविड केसेस है, यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू की अलग अलग टाइमिंग्स है, अलग अलग लॉकडाउन है। वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए शायद कई जगह पे आपको कोविड रिपोर्ट चाहिए, कई जगह पे नहीं चाहिए, कई जगह पे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, कई जगह पे नहीं हो रहे हैं। वही मैं आपको बताऊंगा। वेल स्टार्ट विद केरला। केरला में ट्रैवल करते हैं अगर आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर अपने व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, कार से या बाइक से, ट्रैवल करने के लिए आपको 48 आवर्स प्रायर अपनी कोविड रिपोर्ट चाहिए। अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप कोविड रिपोर्ट नहीं लेके जाते तो आपको 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन कर देंगे या फिर क्वारंटाइन कर देंगे कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में। अगर आप गोवा के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो गोवा में अभी भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस खुली हुई नहीं है, कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं है। उसके लिए ही आपको कोविड रिपोर्ट्स तो ले जानी जरूरी है, इवन दो वहाँ पे लॉकडाउन भी लगा हुआ है, इंटरनल लॉकडाउन लगा हुआ है। वहाँ पे सिर्फ ग्रोसरी या फिर मीट शॉप्स या फिर मेडिकल शॉप्स ही खुली हुई हैं जहाँ पे आप जरूरी चीज़ें अपनी ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी खुला हुआ नहीं है। गुजरात के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। सबकी टाइमिंग्स अलग अलग है, सबकी टाइमिंग चेंजेस हैं। आप एज अ टूरिस्ट तो ट्रैवल करिए ही मत। उसके अलावा अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और अपने अपने ट्रांसपोर्ट से, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब आपको कोविड रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। वेल राजस्थान के अंदर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सो वहाँ पे कोविड रिपोर्ट्स नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। और उसके अलावा अगर आप टूरिस्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, वहाँ पे आपको जाना अलाउ ही नहीं है, इवन दो आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में। क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, इवन सेक्शन 144 लगा हुआ है, चार लोगों से ज़्यादा एक जगह पे मिल भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रैवल करिएगा राजस्थान के अंदर। दिल्ली में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई भी RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट द थिंग इज आपका थर्मल चेकअप होगा ही होगा अगर आप बाई कार जा रहे हैं, बाई बाइक जा रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं। वेल अगर आप महाराष्ट्र के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप गोवा से ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, राजस्थान से ट्रैवल कर रहे हैं और केरला से ट्रैवल कर रहे हैं, तब आपको एट द अराइवल बॉर्डर पे एंटीजन टेस्ट होगा जो कि आपको अपने पैसों से करवाना पड़ेगा और आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक रिप्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। यूपी के अंदर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो यूपी के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी नहीं है, यू कैन ट्रैवल इजीली, लेकिन अननेसेसरी मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप कहीं भी पकड़े जाते हैं या फिर आपको थर्मल चेकअप कहीं भी हो जाता है और आपके टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट करवानी पड़ेगी और चेकअप करवाना पड़ेगा, दैट यू हैव टू ऑन एट योर ऑन कॉस्ट। तमिलनाडु के अंदर कोई भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उस पर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बाय रोड, तो वो आप व्हीकल लेके नहीं जा सकते हैं, बट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है रोड पे ट्रैवल करने के लिए, लेकिन थर्मल चेकअप होगा। अगर थर्मल चेकअप में आपका सिम्टोमेटिक पाए जाते हो आप, तो आपका कोविड टेस्ट होगा और जिसके पैसे आपको अपने आप भरने पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर पार्शियल लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन आप एज अ टूरिस्ट आपको वहाँ पे अलाउ है और आपका थर्मल चेकअप होगा अगर आप पाए जाते हो, तो वही आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। सेम रूल है बिहार के अंदर, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बिहार के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, 50% ऑक्यूपेंसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रही है, सो बाई रोड यू कैन ईजिली ट्रैवल। काफ़ी सारे लोगों के ये सारे क्वेश्चंस है कि अगर मैं सपोज दिल्ली से ट्रैवल करता हूँ फरीदाबाद या फिर गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ, तो फरीदाबाद गुड़गांव ट्रैवल करने के लिए आपको ई पास बनवाना पड़ेगा जो कि आपको दिल्ली गवर्नमेंट से बनवाना पड़ेगा, और सिर्फ आप इमरजेंसी में ही ट्रैवल कर सकते हो, अननेसेसरी मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ई पास आपको दिल्ली से। और ई पास बनाने के लिए मैंने लिंक नीचे डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ये है कि अगर आप मैं दिल्ली से यूपी में नोएडा गाजियाबाद में ट्रैवल करता हूँ, अगर आप यूपी में ट्रैवल करते हैं दिल्ली से वो भी नोएडा या गाजियाबाद में, तब आपको ई पास बनवाना पड़ेगा वो भी यूपी गवर्नमेंट से। तो और सिर्फ अननेसेसरी मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप मूवमेंट कर सकते हो, वरना बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते हो। बाकी अदर स्टेट्स में भी यही सारा सीन है। बाकी अगली वीडियो में बनाऊंगा ई पास के ऊपर, सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड, होप ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। थैंक यू सो मच गाइज, नमस्कार, जय हिंद।